बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 5 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने की संभावना बनती है? आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सेहत को लेकर के इस साल लापरवाही मत करिएगा। परिवार में संपत्ति के मामलों को लेकर के बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखाई देगा और अगस्त से आपकी समस्याओं में पूरी तरह से सुधार हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए आने वाला वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। आज के महा उपाय में हम बताते हैं कि अगर भाई भाई के रिश्तों में या भाई बहन के रिश्तों में समस्या पैदा हो रही है तो क्या करें ताकि भाई भाई के, भाई बहन के रिश्ते बेहतर हो जाएं। पहला काम, जिसको रिश्तों को सुधारना है वो व्यक्ति हर मंगलवार को निर्धनों में, गरीबों में हलवा और पूड़ी बांटेंगे, बांटना चाहिए। पहला काम। और दूसरा काम, मंगलवार के दिन नमक खाना बंद कर दीजिए ताकि मंगल प्रभावशाली हो और जो आपके रिश्ते हैं भाई भाई के या भाई बहन के वो बेहतर होने शुरू हो जाए। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। आजकल एक फैशन आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग दाढ़ी रखने लगे हैं। याद रखिए, दाढ़ी तभी रखिए जब कुंडली में शनि अच्छा हो या शनि से आपको फायदा हो सकता हो। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है, खराब है और आप दाढ़ी रखते हैं तो ऐसी दशा में जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको सलीके से रखिए, सेट करके रखिए। ये नहीं कि बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो फैशन के चक्कर में पड़िए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आपका शनि बेहतर है कि नहीं है। और अगर शनि अशुभ है, अगर शनि बेहतर नहीं है, तो भूल कर भी दाढ़ी मत रखिएगा।